बेस्तर और बर्क रफ्तार लीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस KNS। पिछले हफ्ते से यहाँ चल रहा है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस माहौल से नावाकिफ है, जो नहीं जानते कि माहौल क्या है। असल में माहौल मेरी नजरों में इंसान खुद है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर ने स्टार्ट किया था फ्रॉम 18 और आज 25 को हमारा लास्ट डे था इसमें। तो थ्रू आउट दिस प्रोग्राम फ्रॉम 18 टू 25 हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लाइक हमने पेंटिंग कंपटीशन था एक रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ऐसे हमने सेमिनार के जिसमें बच्चों ने आके स्टेज पे आके डिफरेंट टॉपिक्स पे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट उस पर स्पीकअप किया। इस हमने क्लीनलेस ड्राइव किया अपने कैंपस में और हमने क्विज कंपटीशन किया जिसमें डिफरेंट मुख्तलिफ ग्रुपों ने पार्टिसिपेट करके अपनी पोजीशंस हासिल की। तो ये वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो था हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में, इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि हमारे बच्चों में एक इनकलकेट हो जाए, इन्फ्यूज हो जाए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माहौलियात के बारे में, इसके रिलेटेड इनको इन्फ्यूजन हो जाए, इनको अंडरस्टैंड हो जाए कि इस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके साथ साथ जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें हमें इंकरेजमेंट मिली और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर के प्रिंसिपल ने इसमें बड़ा ताउन किया। उन्होंने हमें हर स्टेज पे हर प्रोग्राम में अपने इंकरेजमेंट दी, अपना जो नेसेसरी सपोर्ट था वो प्रोवाइड किया। तो मकसद तो यही था कि हम समझे कि जो एनवायरनमेंट है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है हमारे लिए, ये हमारे फ़ायदे के लिए है और इसको जितना हम प्रिजर्व करेंगे, जितना हम कंजर्विंग करेंगे, इससे हमें ये होगा कि हमारा सर्वाइवल बढ़ेगा और जो माहौल है वो साफ। ज़्यादातर मालूमात के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ। KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।